अदाबी आईपीटीवी सच आपके सामने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इंग्लैंड में चल रहे क्रिकेट के महाकुंभ का आज अंतिम पड़ाव है, क्योंकि इस महाकुंभ का फाइनल मुकाबला इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच आज खेला जाएगा। दोस्तों, 2015 के विश्व कप में न्यूजीलैंड उपविजेता रहा है और दोनों ही टीमें अब तक विश्व कप खिताब जीत नहीं पाई है, लिहाजा विश्व को इस बार एक नया चैंपियन मिलेगा। दोस्तों, क्रिकेट के महाकुंभ का फाइनल मुकाबला होने के पश्चात आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए टेस्ट चैंपियनशिप का भी ऐलान किया है, मतलब अब टेस्ट क्रिकेट का भी वर्ल्ड कप होगा। दोस्तों, बता दें कि आईसीसी का टेस्ट चैंपियनशिप 2 साल तक खेली जाएगी, जिसमें आईसीसी की 9 टीमें हिस्सा लेगी, जो टेस्ट मैच में एक दूसरे के आमने सामने होगी। दोस्तों, 15 जुलाई 2019 से इस चैंपियनशिप की शुरुआत होगी और इस सीरीज का फाइनल मैच टॉप 2 टीमों के बीच जून 2021 में खेला जाएगा और इस वर्ल्ड कप को जीतने वाले टीम को करोड़ों रुपए इनाम में दिया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें, सभी 9 देश अपने कार्यक्रम अनुसार एक दूसरे से टेस्ट मैच खेलेगी और साथ में T20 और वनडे मैच भी खेलते रहेगी और फिर 2 साल में यानी 2021 में जो टीमें 2 सबसे ज्यादा मैच जीतेगी वह आईसीसी का फाइनल मुकाबला खेलेगी और उसमें से जो जीतेगा वह टेस्ट चैंपियन होगी। दोस्तों, अगर बात करें आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में भारत के कार्यक्रम की, तो 2019 में भारत आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे पहले वेस्ट इंडीज का दौरा करेगा, जहां टीम इंडिया वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैच खेलेगी। इसके अलावा वनडे और 3 T20 मैच भी खेले जाएंगे, लेकिन जो टेस्ट मैच खेलेगी वो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की तरफ से रहेगा। इसके अलावा भारत अक्टूबर नवंबर में 3 टेस्ट दक्षिण अफ्रीका के साथ अपने ही घर में खेलेगा और फिर नवंबर दिसंबर में 2 टेस्ट बांग्लादेश के साथ भी अपने ही घर में खेलेगा। उसके बाद फरवरी में 2 टेस्ट न्यूजीलैंड के साथ खेलेगा, लेकिन यह मैच भारत न्यूजीलैंड में जाकर खेलेगा। फिर डायरेक्ट 2020 के दिसंबर में 3 टेस्ट ऑस्ट्रेलिया में जाकर खेलेगा और फिर जनवरी 2021 में 1 टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने ही घर में खेलेगा। उसके बाद जनवरी फरवरी में 5 टेस्ट इंग्लैंड के साथ अपने ही घर में खेलेगा और इतने मैचों के बाद भारत अगर टॉप में रहेगा तो फिर फाइनल मुकाबला जून में खेलेगा। तो दोस्तों, आपको कैसा लग रहा है आईसीसी का ये नया कदम? आप अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।